हेलो फ्रेंड, टेक्निकल सवेरा में आपका स्वागत है। मैं हूं अहमद कुरैशी। आज देखेंगे कप में पास बोर्ड आया हुआ है। दोस्तों, इसकी बोर्ड की वायरिंग में फॉल्ट है और इसे दोबारा से वायरिंग करवाना है। तो इसे चलो मैं पहले इसके नटा खोल लेता हूं और आपको बताता हूं कि इसकी नए से वायरिंग कैसे करना है। इसके अंदर चार बटन है और तीन पिन है सिंगल वाली। दोस्तों चलो मैं इसको पहले खोल लेता हूँ। दोस्तों इसके पेचकस निकाल लिए अपने बाजू में, वायरिंग देखेंगे इसकी कैसी है, इसके अंदर क्या शॉर्टिंग है और क्या नहीं। दोबारा अपन इसे अच्छे से वायरिंग करेंगे, देखेंगे दोस्तों कि इसके अंदर प्रॉब्लम क्या आया हुआ है। ये पूरी वायरिंग पहले मैं बाहर निकाल लूँगा दोस्तों, इसके नए से वायरिंग करेंगे। दोस्तों इसकी पूरी वायरिंग निकाल ली अपने, अब नए सिरे से अपने को इसकी वायरिंग करवाना है। तो अभी इसके कनेक्शन कैसा है और कौन सा प्लस का आएगा, इसका माइनस कहाँ से आएगा, ये सब रहेंगे दोस्तों। इसमें चार बटन है और चार पीना है। ये देखो दोस्तों, अभी स्टार्ट अपन इसका प्लस से करेंगे दोस्तों। जो प्लस कनेक्शन रहता है, ये चार ऊपर के बटन है इसके ऊपर वाले भाग में और चार नीचे पीना है दोस्तों इसके। चलो स्टार्ट करते दोस्तों। दोस्तों इसके प्लस कनेक्शन जोड़ लेंगे, ये वाला प्लस है और ये एक प्लस आया इसका, ये और ये प्लस आया दोस्तों, उसका प्लस कनेक्शन है। ये प्लस कनेक्शन आ गया दोस्तों और एक इसमें से दोस्तों इस बाजू से भी प्लस ले लेने का एक उसका, ये हो गया दोस्तों एक प्लस। इस प्रकार दोस्तों ये हो गए दो प्लस दोस्तों, एक ये प्लस और ये प्लस से ये प्लस को मिला देने का है दोस्तों अपने को, ये प्लस से ये प्लस को मिला देने का है। ये कनेक्शन तो ये कनेक्शन एक होगा प्लस, ये होगा अपना इसका प्लस वाला सर्किट जो मेन सप्लाई आता है दोस्तों। ये होगा इसका चारों बटन को प्लस प्लस आ गया दोस्तों। ये देखो दोस्तों, ये आ गया इसका प्लस कनेक्शन, ये ऊपर वाली बटन के ऊपर, ये ऊपर वाले और ये ऊपर वाले पर और ये ऊपर वाले पर प्लस आ गया। आप अपने को क्या करना है दोस्तों, यहाँ से कनेक्शन यहाँ लेना है दोस्तों, इस पिन पर ऊपर वाले बटन का, ये जो ये बटन वाले का दोस्तों, ये वाले बटन का इस पिन पर लेना है दोस्तों। पहले नीचे का अर्थिंग मार्किंग है दोस्तों, पहले इसके ये अर्थिंग कनेक्शन होगा दोस्तों इसका, ये दोस्तों अर्थिंग होगा इसका। इसको अच्छे से टाइट कर लेंगे, ये होगा दोस्तों इसका अर्थिंग नीचे वाला। आप देख पा रहे चारों पिनों का अर्थिंग, जो नीचे से अर्थ आएगा इसका और ऊपर से प्लस आएगा इसमें। चलो दोस्तों ऊपर से कनेक्शन करना शुरू करेंगे। पहले ही दोस्तों यहाँ से पहले बटन पर से प्लस लेंगे ये पिन पर दोस्तों, यहाँ से यहाँ पर दोस्तों ये वाली पिन पर। ये आगे दोस्तों प्लस आ गया,
ये देखो दोस्तों, ये बटन पे से, ये वाले बटन पे से इस पर प्लस ले लिए, यहाँ पर आ गया। अब इस वाले पर से इस पिन पर लेना है दोस्तों, यहाँ से यहाँ पर, यहाँ से यहाँ पर, दोस्तों ये पिन पे से यहाँ वाली पिन पर दोस्तों, दोस्तों ये देखो, ये होगा दोस्तों, अब ये दोस्तों पीना। अब इसे हस्ते यहाँ से लेकर दोस्तों, यहाँ से लेके यहाँ पर दोस्तों ऐसे आएंगे दोस्तों, ये प्लस पे से ये बटन पे, ये अपने ऊपर वाले बटन पे से यहाँ पर दोस्तों, यहाँ के इसको दोस्तों दोस्तों ये आ गए दोस्तों। अब रियास दोस्तों, ये बटन का एक पॉइंट ये वाले का इस पर आएगा, छोटा सा एक ही कनेक्शन रहे दोस्तों, ये आ गया दोस्तों कनेक्शन। ये होगा दोस्तों कनेक्शन, एक बार दोबारा देख लेंगे दोस्तों। ये आगा अर्थ, ये आगा ऊपर के बटन पे से, ये वाले बटन पे से इस पर दोस्तों, दूसरा वाला ये इस पर, तीसरा वाला इस पर, चौथा वाला जो है ये इस पे आ गया दोस्तों, आप देख पा रहे हैं। अब इसमें सप्लाई डालकर अपन चेक करेंगे, इसको पहले वोल्टेज के वास्ते कनेक्शन लगा लेंगे, ये प्लस वाले को लगा लेंगे दोस्तों, प्लस वाले को प्लस सप्लाई देंगे दोस्तों, ये यहाँ से देंगे दोस्तों प्लस सप्लाई अपनी, उसकी पहले इस पॉइंट पे से, ये प्लस सप्लाई दोस्तों। उसके बाद दोस्तों आइए, ये आएगा आर्थ के वास्ते दोस्तों, इसे ये पॉइंट पे देंगे दोस्तों, दोस्तों कनेक्शन समझ में आया होगा आपके, जैसे ये अर्थ के वास्ते आ गया, ये प्लस के वास्ते आ गया, और ये जो अपने बटन के वास्ते है, और इसका मेन प्लस जो आता है ये वाला है, समझ लो ये सर्किट जो है प्लस है, तो ये आ गया ऊपर के प्लस से, और इधर से ये यहाँ से नीचे वाली वायर, ये वाला नीचे वाली वायर में से ये यहाँ पर दोस्तों। अब दोस्तों इसको फिट कर लेंगे अपन, इसका तार से फिट कर लेंगे,
दोस्तों फिटिंग हो चुकी है इसकी। अब इसको सप्लाई डालकर चेक करेंगे अपन दोस्तों, सप्लाई डाल के चेक करेंगे। अपना कनेक्शन ओके हुआ कि नहीं ये चेक करेंगे दोस्तों। इसके अंदर बता रहा नहीं दोस्तों, ठीक है। दोस्तों ये वायर में फॉल्ट है, ये देखो दोस्तों ये पिन में करंट वगैरह आ रहा है, शायद पिन का फॉल्ट होगा दोस्तों। पिन खोल के देख लेंगे तो नहीं तो वायर ख़राब होंगी दोस्तों प्लीज की, जो बोर्ड को लगाई हुई वाली। पिन खोल लिया दोस्तों इसकी, दोस्तों इसकी वायर में भी फॉल्ट होता है, ये अपना अंदर पिन के अंदर कट हो चुका था। ये इसको ड्रायर एक डाल के देखेंगे दोस्तों, डायरेक्ट डाल दिए दोस्तों, जो ये वायर आई थी इसके अंदर अपन ने डायरेक्ट डाल के देख ली। चलो सप्लाई चेक करेंगे इसमें आई कि नहीं दोस्तों। ये आ चुकी है अपनी सप्लाई, ये देखो नंबर पे आ गए दोस्तों। उसके बाद में दो नंबर पे ये आ चुका है दोस्तों, नंबर तीन पर ये आ चुका है दोस्तों, नंबर तीन पर, और नंबर चार पर ये ऊपर वाला आ गया दोस्तों। आप देख पा रहे हैं दोस्तों अपना कनेक्शन ओके हो गया। जो ये पिन में वायर की फॉल्ट होता है, ये पिन अंदर से कट हो गई थी, उसको बराबर फिट दोबारा इस वायर में बराबर बिठा लेंगे। वीडियो पसंद आने पर लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।